हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज जो है एक पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं वो वहीं हम लोग आए हैं आज थोड़ा सा पिकनिक टाइप का, या फिर बोल सकते हैं ऐसे घूमने के लिए। और थोड़ा सा कुछ पिकनिक भी हम लोग मना लेंगे सभी दोस्त के साथ। इधर दो तीन दोस्त और हैं। तो अभी जो है दोस्तों मैं जाने वाला उस पहाड़ पर। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उम्मीद करता हूँ आज का ये जो ब्लॉग है आप लोग काफ़ी अच्छा लगेगा। और ज़्यादा दूर नहीं है पहाड़, मेरे घर के आसपास ही है, तो यहीं आए हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उम्मीद करता हूँ आज का ये जो ब्लॉग है आप लोग काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी टच कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले ऐसी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं पहाड़ की ओर। हम लोग आ चुके हैं रोड के पास, रोड से उतर गए हैं, अब जा रहे हैं सीधे पहाड़ की ओर। और आप लोग बता दें ये जो है यहाँ हमारे भोली में सबसे फेमस मतलब पिकनिक स्पॉट के तौर पर मतलब प्रचलित है। और इसके साथ यहाँ जो है इसको बर्थडे प्लेस के नाम से भी काफ़ी फेमस कर दिया गया है। यहाँ के आसपास के जितने भी लड़के हैं वो अपना बर्थडे मनाने के लिए पर डे यहाँ 2-4-10 गेंद आते ही है। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। साथ में आप लोग एक चीज़ दिखा रहे हैं, देखिए पूरा जो ये प्लेस आपका फ्लोटिंग हो रहा दिख रहा है, फ्लोटिंग नहीं हो रहा। यहाँ आने वाले कुछ दिनों में 2-3 महीने के अंदर एक सुंदर सा पार्क के साथ होटल का शुभारम्भ होने वाला है। तो ये भी अच्छा हो जाएगा, जब होटल बन जाएगा तो शायद बहुत फेमस हो जाए ये जगह। और देख भी सकते हैं पीछे कुछ लोग जो है पिकनिक मना रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग सीधे पहाड़ की ओर। मेरा एक दोस्त पीछे है, वो भी मेरे साथ साथ चढ़ेगा और 2-3 दोस्त हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों बैक कैमरा में लेके आप लोगों को पहाड़ की ओर। ये वो जगह जहाँ पर कुछ दिनों में एक पार्क कम रेस्टोरेंट या होटल बोल सकते हैं बनने वाला है। और यहाँ का जो खूबसूरती है कितना बेहतरीन होगा जब ये होटल बन जाएगा या पार्क बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी पहाड़ है और इधर पीछे भी पहाड़ है, साथ में घना सा जंगल, काफ़ी रोमांचित करने वाला जगह है। कुछ लोग वहाँ पिकनिक मना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी रोमांचित करने वाला रास्ता देख सकते हैं, एकदम जंगल का बीच से हम लोग जा रहे हैं। बांस का जंगल है और रास्ता इस तरह कुछ काफ़ी डेंजर बोल सकते हैं, एकदम पत्थरों के बीच से गुजर रहे हैं। अभी जो ऊपर दिख रहा है एक बड़ा सा चट्टान है, उसी को यहाँ एलिफेंटा माउंटेन के नाम से जो है इसको फेमस कर दिया गया है। और पुरातन मान्यता है कि यहाँ से कभी दूध निकलता था, हालांकि पानी निकलते तो हम लोगों ने भी देखा है। काफ़ी थक गया हूँ ऊपर आते आते, अभी तो ऊपर चढ़ा नहीं हूँ, कुछ देर में चढ़ने वाले हैं, चढ़ जाएंगे तो पूरा दिखाते हैं आप लोगों को। और अभी जो है पानी भी निकलना बंद हो गया, शायद लेयर बहुत कम हो गया है या उस टाइप से बारिश नहीं होती है। जो भी है यहाँ तक आते आते हम लोग जो है थक गए हैं और अभी ऊपर जाना है तो जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कितना डेंजर रास्ता आप लोग देख सकते हैं, ऐसे होके सारे लोग यहाँ बैठकर मतलब आप लोग फोटो शूट करने का भी एक बहुत ही अच्छा जगह है। देख सकते हैं यहाँ से पूरा व्यू चारों ओर का, काफ़ी बेहतरीन लुकिंग है बोल सकते हैं, नो डाउट। ये देखिए यहाँ कभी जो है बारिश का पानी मतलब मत बोलिए बारिश ख़त्म होने के बाद भी यहाँ से पानी निकलता था, लेकिन अभी जो है वो बंद हो गया। यही वो मुहाना है जहाँ से पानी निकलता था और नीचे तक हमेशा से बहते रहता था। ये देखिए ऊपर में एक भाई साहब बैठे हुए हैं, यही है वो चट्टान। I've been all around the globe trying to protect
हम लोग इस पत्थर के ऊपर आ चुके हैं जिसको कि एलिफेंटा माउंटेन के नाम से फेमस है यहाँ पर। और यहाँ पे व्यू देखिए चारों ओर का। और मेरे दोस्त जो है कुछ देखिए ऊपर जा रहे हैं, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसके कारण यहाँ पे खड़ा हूँ, इस पत्थर के ऊपर चढ़ गया वहाँ लगने। और चलिए एक ही बार ऊपर चलते हैं और वहाँ से भी दिखाते हैं आप लोगों को सारा नज़ारा कि यहाँ से मतलब चारों ओर का व्यू जो है वो कैसा है। अभी दोस्तों पहाड़ पर कुछ दूरी और वहां से ऊपर चढ़ने के बाद एक बेहतरीन सा चट्टान हमको मिला है देखने के लिए, देख सकते हैं। बचपन में हम लोग बहुत चढ़ते थे यहां, लेकिन हमको लगता है 8-10 साल के बाद फिर से एक बार आज चढ़ने का मौका मिला और आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाने का भी मौका मिला। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये देखिए कितना बड़ा चट्टान है। पूरा 40 से 50 मिनट का सफर तय करने के बाद आखिरकार हम लोग जो है अभी अपने टॉप व्यू पर पहुंच चुके हैं। मेरे साथ और 3 दोस्त हैं, पीछे देख सकते हैं, और एक दोस्त तो नीचे ही रुक गया। और यहाँ से टॉप व्यू देखिए चारों ओर का। उधर एक गांव है जिसका नाम गोविंदाडी है, इधर और एक गांव है, और इधर पीछे से भी एक गांव है पहाड़पुर। तो ये यहाँ का टॉप व्यू था। यहाँ चढ़ने के बाद हम लोग को ऐसा नज़ारा देखने को मिला, और यहाँ आने के बाद जो हम लोग को मतलब हम और यहाँ आने के बाद जो है हम लोगों को एक चीज़ मिला खाने के लिए, वो है ये बैर। तो अभी बैर खाने का मजा ले रहे हैं हम लोग सभी मिलकर। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो ब्लॉग था ये आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी टच कर लीजिएगा, जैसे कि आने वाले ऐसे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे दूसरे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।